बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो चैप्टर लाया हूँ मैं आपके लिए वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू रजिस्ट्रेशन। और इसकी जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो 58 से लेकर 63 तक हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेटफॉर जस्टिस, इसको आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इनकरेजमेंट होती है। और साथ में जब बेल आइकन उभरे आप उसको भी प्रेस कर दें, इससे हमारी हर न्यू अराइवल आपको इन टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले सेक्शन 58 के ऊपर। अब 58 क्या कहती है? 58 कहती है कि पार्टिकुलर टू बी एंडोर्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन। अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक है या इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक है या इनसे अलग कोई दीगर मामलात के बारे में है, और आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप सब रजिस्ट्रार के पास जाती हैं, तो जब आपका वो डॉक्यूमेंट जो है, जब वो कबूल कर लिया जाता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है, तो उसके बाद उसकी वो जो है रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन के जो अमल होता है, ये उसके बारे में आज बात की गई है कि उसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर अबादत जहरी या एंडोर्समेंट कैसे की जाएगी, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी जाएगी, वो कौन लिखेगा, और उसके ऊपर दस्तखत कैसे होंगे, उसके साथ जो सर्टिफिकेट है वो कैसे दिया जाएगा, और उसके बाद अपने जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर जो रजिस्टर पड़े होते हैं 1-4, उनको उनके अंदर उनको कैसे मेंशन किया जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने इसके अंदर बताई हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सेक्शन 58 जो है इसके अंदर इन्होंने बताया है कि प्रोसीजर टू बी एंडोर्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन। सॉरी, इसमें इन्होंने 3-4 बातें की हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये की है कि एवरी डॉक्यूमेंट व्हेन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर दी आर इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, कोई भी डॉक्यूमेंट जब सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश होगा, एक्सेप्ट दो डॉक्यूमेंट्स के जो अदालत की डिग्री या अदालत के किसी हो ऑर्डर की उसी वजह से अगर वो मर्ज़ वजूद के अंदर आती हैं, अगर वो उनको बनाया जाता है, या जिनकी रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 89 जो एक्ट जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 89 के तहत जिनको रजिस्ट्री के लिए अगर अदालत भेजती है, उन डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब रजिस्ट्रार के पास आती हैं, तो फक्तन फवक्तन उनके अंदर को थोड़ी बहुत जो एंडोर्समेंट उनके अंदर की जाती है हायर अथॉरिटी की जानब से, उसके अंदर थोड़ी बहुत तरमीम के साथ जो चीज़ें मेंशन की जाएंगी, जो ज़्यादातर जो मेंशन की जाती हैं उनका हम जिक्र करेंगे। उनमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिट हो जाता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन जिसको तस्लीम कर लिया जाता है, कबूल कर लिया जाता है कि हाँ भाई ये कागज़ दुरुस्त है, इसको प्रेजेंट करने वाले भी ठीक हैं, तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन के अमल का सबसे पहली जो चीज़ होती है उसमें उस डॉक्यूमेंट जो होता है जो पेश किया जाता है उसकी पोस्ट के ऊपर वो एंडोर्समेंट की जाती है या अबारत जोरी उसके ऊपर लिखी जाती है, और उसके ऊपर फिर वो जो प्रेजेंट करने वाला शख्स होता है उसका दस्तखत दिया जाता है, और साथ में उसका निशान अंगूठा लगवाया जाता है, और साथ में उसका जो नेशनल आईडी कंप्यूटराइज कार्ड है उसका जो नंबर है उसको मेंशन किया जाता है। और इसके अलावा उनके जो होते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने वाले, और या एक तो एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं और दूसरा जिनके फेवर में एग्जीक्यूट किया जाता है, उन सब लोगों के जो दस्तखत होते हैं एक सेपरेट रजिस्ट्री के अंदर उनके दस्तखत भी लिए जाते हैं, और साथ में उनके जो विटनेसेस आए होते हैं उनके भी दस्तखत दिए जाते हैं और अंगूठे का निशान भी लिया जाता है, और साथ उनका नेशनल आईडी कार्ड जो कंप्यूटराइज होता है जो एक्सपायर ना हुआ हो उसको भी मेंशन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि
और ये जो सेपरेट रजिस्टर होता है, जो भी बंदा अगर वो एप्लीकेशन देता है कि मैं इस रजिस्ट्री का मुआयना करना चाहता हूँ, इस डॉक्यूमेंट का मुआयना करना चाहता हूँ, तो उस बंदे का भी वो दस्तखत जो है उस रजिस्टर के अंदर, उसका दस्तखत, उसका निशान अंगूठा और उसका नेशनल आईडी कार्ड जो है उसका वो उधर मेंशन किया जाता है, जो बंदा उस डॉक्यूमेंट को या उस रजिस्ट्रेशन को या उस रजिस्ट्री को वो एग्जामिन करना चाहता है या उसका मुआयना करना चाहता है, उसका भी दस्तखत सख्त होता है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई रकम रूबरू सब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट के एवज जो है वो किसी बंदे को या जो जिस बंदे से मुआहदा होता है उस बंदे को अगर पे करनी हो या उसके तबादले के अंदर अगर कोई गुड्स देना है या कोई तबादले की कोई जेंस है या प्रोडक्ट इन एक्सचेंज जो है अगर वो दी गई है या उसके एवज कोई रसीद दी गई है तो या उसकी वसूली की कोई रसीद ली गई है तो उसको भी उसके साथ मेंशन किया जाएगा, उसका भी हवाला दिया जाएगा। अगर रकम दी गई है तो उसके अंदर वो एंडोर्समेंट के अंदर लिखा जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतनी रकम रूबरू सब रजिस्ट्रार अदा की और उसने वो अपना रकम वसूल करके रसीद भी दी और इसके ऊपर दस्तखत भी किया। ये चीज़, दूसरी चीज़ ये भी मेंशन की जाएगी। उसके बाद अगली बात यह है जो इस सेक्शन 58 के अंदर कही गई है कि अगर कोई बंदा जब ये डॉक्यूमेंट जिनके कबूल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जब वो उनको जिनका एग्जीक्यूटर है वो आकर पेश करता है और कहता है कि इनको कबूल किया जाए, और बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट जो है उसका एग्जीक्यूटर या उसको लिखने वाला या कोई भी बंदा उसकी वो उस रजिस्ट्रेशन से अगर इनकार कर देता है, अगर वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है जी कि मैं इसको नहीं मानता, मैं रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहता, तो फिर उसकी जो वजूहत हैं रिफ्यूज़ल की जो वजूहत हैं वो जो रजिस्ट्री मुकर्रर है वो अपने पास रजिस्टर्ड के अंदर उनको नोट कर लेता है और नीचे उस बंदे का दस्तखत सब्त करता है और उस नोट को जो अपने पास लिखेगा वो बाद में एविडेंस बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन, दोस्तों सेक्शन आ जाती है सेक्शन 59। अब सेक्शन 59 कहती है एंडोर्समेंट टू बी डेटेड एंड साइन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। अब इन्होंने कहा है कि जो भी ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट आएगा उसकी पोस्ट पर जो भी एंडोर्समेंट की जाएगी उसके लिए, उसके ज़रूरी ये है कि जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो उसके अंदर एक तो अपना दस्तखत करेगी और उसके साथ अपनी मोर लगाएगी और साथ में डेट मेंशन करेगी, और इनके पास एक स्पेसिफिक सी मोर होती है लंबी सी लोहे की बनी हुई, उसको इसके ऊपर स्टैम्प करती हैं और ये इंग्रेव भी हो जाती है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसकी डेट मेंशन की जाती है और जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो उसके ऊपर अपने दस्तखत भी करता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है चाहे वो सेक्शन 52 के तहत आया हो या 58 के तहत आया हो तो इनको इस तरीके से जब उनको एंडोर्स किया जाएगा, चाहे वो 52 के तहत आया हो चाहे 58 के तहत आया हो, जब उनको एंडोर्स किया जाएगा तो उसके ऊपर वो रजिस्ट्री ऑफिसर जो होगा उसका दस्तखत होगा, उसकी स्टैंप होगी और उसकी और उस दिन की डेट मेंशन होगी। तो दोस्तों उसके बाद आ जाती है सेक्शन 60। सेक्शन 60 डील करती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ये कोई अलग से कोई कागज़ नहीं होता, ये जो वो रजिस्ट्री करने वाली अथॉरिटी होती है जब वो एंडोर्समेंट करती है उसके साइड पे नीचे कहीं एक सर्टिफिकेट लिखते हैं, जब वो उसको सर्टिफिकेट को मेंशन किया जाता है तो ये सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ मेंशन किया जाता है, जब ये सेक्शन 34 के तहत कोई इंक्वायरी की जाती है किसी डॉक्यूमेंट के बाद उसके बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, या अगर 35 के तहत के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है तो उसकी जो नोट लिखा जाता है उसके नीचे सर्टिफिकेट दिया जाता है। 58 के तहत जब एंडोर्समेंट किया जाती है तो उसके नीचे फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है, या 59 के तहत किसी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत मोहर की जाती है और उसको अगर वो तो उसके नीचे भी फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये जब डॉक्यूमेंट इस तरह सेक्शन 34, 35, 58, 59 के तहत जब रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं तो उनको रजिस्टर करने के बाद उसके नीचे एक सर्टिफिकेट लिखा जाता है, और वो सर्टिफिकेट एक स्पेसिफिक नौयत का होता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि ये जो उसके अंदर वो एक सबसे पहले वो रजिस्टर्ड लिखा जाता है कि ये रजिस्टर्ड है, ये डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुका है,
اس کے اندر یہ مشتمل بار 6 اوراق 10 اوراق یا جتنے بھی اس کے پیجز ہیں ان کی تعداد لکھی جاتی ہے، اور جو اس کا رجسٹری نمبر ہے یعنی کہ جو اس کا سیریل وائز چل رہا ہے وہ بک نمبر 1 میں یا 2 کے اندر وہ اس کے اندر مینشن کیا جاتا ہے، اور جو تاریخ ہے اس کو مینشن کیا جاتا ہے اس سرٹیفکیٹ کے لکھنے کے بعد یا اس سرٹیفکیٹ کے اندر جو بھی وہ لکھتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ جو ہے جب لکھا جاتا ہے جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے نیچے جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہوتی ہے یا رجسٹرنگ وہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ اپنا دستخط کرتا ہے اور مور لگاتا ہے اور ساتھ میں ڈیٹ بھی مینشن کرتا ہے، اور جب یہ چیزیں ساری مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ یا ڈاکومنٹ پھر وہ عدالت کے اندر اگر کسی دوران کسی مقدمے کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ایڈمیزیبل ڈاکومنٹ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 61۔ سیکشن 61 کہتی ہے کہ سرٹیفکیٹ آف انڈورسمنٹ ٹو بی کاپیڈ اینڈ ڈاکومنٹ ریٹرنڈ۔ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ سرٹیفکیٹ درج ہو جائے گا، یہ لکھا جائے گا، انڈورسمنٹ بھی لکھی جائے گی، سرٹیفکیٹ بھی لکھا جائے گا، تو اس کے بعد یہ جو یہ انڈورسمنٹ ہوگی اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہوگا جو سیکشن 59 اور 60 میں دیے گئے ہیں دونوں کو رجسٹر نمبر 1 کا جو مارجنل کالم ہوتا ہے، رجسٹر نمبر 1 کے اندر وہ کالم بننے ہوتے ہیں مختلف، ایک کالم کے اندر یہ جو انڈورسمنٹ کا جو جتنا بھی وہ ہے وہ سارے کا سارا وہ لکھی جاتی ہے، انڈورسمنٹ کی کاروائی جو ہے اور سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے، اور یعنی کہ یہ جو بک نمبر 1 کا رجسٹر کے اندر جو کالم دیے ہیں اس میں ایک کالم کے اندر وہ مارجن بنا دیتے ہیں سائڈ کے اوپر، وہ 1/3 ہوتا ہے وہ ایک پیج کے اندر، تو اس کے اندر وہ جتنی بھی یہ رجسٹریشن کی کاروائی ہے اس کے اندر انڈورسمنٹ کی کاروائی ہے اس کے نیچے سرٹیفکیٹ کی جو کاروائی ہے جو دستخط مخط ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کے اندر لکھ کے اس کے اوپر اپنا دستخط مور کر کے اور ڈیٹ سب کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں اگر ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی نقشہ لگا ہوا ہے جو سیکشن 21 کے تحت جو ضروری ہوتا ہے بعض اوقات اگر وہ لگا ہے تو اس کا بھی وہ نقشے کا وہ حوالہ دیا جائے گا، اس کی وہ مختصر سا وہ احمد جب لا کر اس کے اندر وہ مینشن کیا جائے گا، اور اس کی بھی نقل جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں الفاظ کی صورت میں اس کو بک نمبر 1 کا جو مارجنل کالم ہوتا ہے اس کے اندر اس کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اس سیکشن 61 کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر اس کے بعد رجسٹریشن کے اور اس کے بعد جو رجسٹریشن کامل ہوتا ہے اس کو مکمل تصور کیا جاتا ہے کہ یہ رجسٹریشن جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اور جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اوریجنل وہ بندے سے رسید لے کر جس بندے نے وہ ڈاکومنٹس کو پریزنٹ کیا ہوتا ہے اس بندے کو اس وہ جو ایز سون ایز پاسبل اس کو نقل کر لیں گے وہ یہ محکمہ یہ جو ہے رجسٹریشن والے اور رجسٹری مرر اپنے پاس ان کو نقل کر کے اس شخص کو واپس کر دیتا ہے جو ان کو رجسٹریشن کے لیے پیش کرتا ہے، اس شخص کو واپس کرتا ہے، یا اس شخص کا اگر کوئی ایجنٹ ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہے اس نے اگر اس نے بتایا پہلے سے تو پھر اس کا شخص کو واپس کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ جب رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا تو وہ اصل کاغذات جو ہیں پھر وہ اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں جو اس کے اندر کوئی آنر ڈکلیئر ہوتا ہے یا جس کی حق میں رجسٹری کی جاتی ہے اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 62 کہتی ہے کہ پروسیجر آن پریزنٹنگ ڈاکومنٹ ان لینگویج ان نون ٹو رجسٹرنگ آفیسر۔ اب اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب رجسٹریشن کے لیے کوئی ایسا ڈاکومنٹ یہ رجسٹریشن سب رجسٹرار کے پاس آتا ہے اور اس سے پہلے جب وہ رجسٹری مارر کے پاس جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی لینگویج لکھی ہوئی ہے کہ جو کہ علاقے کی مروج لینگویج نہیں ہے، وہ اس علاقے کے اندر وہ آفیشیل لینگویج نہیں ہے، اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاستی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس پیش کیا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کہے جی کہ بھائی اس کی ٹیو ٹرانسلیشن جو ہے وہ مصدقہ ٹیو ٹرانسلیشن جو ہے اٹیسٹیڈ ٹیو ٹرانسلیشن ایک کاپی جو ہے وہ آپ اس ڈیڈ کے ساتھ انیکس کر دیں، اور جب وہ ڈیڈ کے ساتھ انیکس کر دی جاتی ہے تو پھر وہ جو رجسٹریشن وہ جو رجسٹری مرر ہوتا ہے اس کا وہ جو ہے اس کو پھر رجسٹر کرتا ہے، اور رجسٹریشن کے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ رجسٹریشن کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں پھر یہ نہیں ہے جی کہ وہ جو اس نے وہ ٹریو ٹرسٹ وہ جو کاپی دی ہے وہ ٹرانسلیشن کی اس کے اوپر کرے گا، نہیں، بلکہ اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں یا اوریجنل ڈیڈ جو ہوتی ہے
उसके ऊपर फिर वो एंडोर्स करेगा और लोकल लैंग्वेज या जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर में एंडोर्स करेगा और बाकी की कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे दीगर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई होती है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहती है कि पावर टू एडमिनिस्ट्रेट ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट। अब इसके अंदर ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है इसके पास अख्तियार होता है सेक्शन 63 के तहत कि अगर कोई बंदा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट लेकर आता है कि जनाब हमारे इस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर करें, अगर उसको कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है रजिस्ट्री ऑफिसर जो होता है अगर उसको कोई डाउट क्रिएट हो जाए, अव्वल तो उनको डाउट होता नहीं है वो कर देते हैं, अगर उनके पास अगर कोई डाउट क्रिएट हो जाए तो उनसे फिर वो जो उसके बंदे आए होते हैं जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है या उसके जो विटनेसेस आए होते हैं उनसे अगर ये रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है अगर उनका वो ओथ लेना चाहे तो फिर वो उनसे ओथ भी ले सकता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि रजिस्ट्री ऑफिसर जो होता है जब किसी शख्स से ओथ लेगा, ओथ लेने के बाद उससे बयान लेगा और बयान लेने के बाद रिकॉर्ड के बारे में अगर उससे बयान लेगा या कोई हकायक के बारे में उससे वो पूछगिछ करेगा तो वो जितनी भी वो या जो अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अदर देन लैंग्वेज है उसके बारे में अगर वो कोई स्टेटमेंट लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जितना भी ओथ लेगा तो उसको नोट करेगा, उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट नोट करेगा, स्टेटमेंट नोट करने के बाद उसको पढ़कर सुनाए और समझाएगा, रीड ओवर एंड एक्सेप्ट इट करेक्ट, उसको पढ़ाएगा उसको सुनाएगा, अगर वो उसको इकरार करेगा कि ये दुरुस्त हैं तो उसके बाद अपना नीचे दस्तखत करेगा, अपने स्टैंप लगाएगा और डेट मेंशन करेगा। तीसरी बात ये है कि इस तरह का हर नोट और इस तरह की हर स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है वो किसी बंदे से लेती है या उसके विटनेसेस से लेती है तो फिर वो अदालत के अंदर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होगा, अदालत उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी ओपिनियन कायम कर सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप और आपको समझ भी आ गई होगी तो अगर आपको समझ आ गई है क्लियर भी हो गया है तो आप मेरे इस अपना टॉपिक को शेयर करें, इसको लाइक भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है और आप कमेंट्स करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।